फाइनली यहाँ पर बिहार बोर्ड ने फिर से एक नया लिंक जारी किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा लोग परेशान थे अप्लीकेशन नंबर को लेकर, और बच्चा लोग का अप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा था, उसका OTP नहीं जा रहा था, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ गलत हो रहा है, किन्हीं का फ़ोटो वगैरह यहाँ पर कुछ गलत आ जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर साइट पर कुछ नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग का अप्लीकेशन नंबर कैसे निकालना है और डेट ऑफ बर्थ कैसे सुधारना है, ठीक है। जिस साइट से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करते थे उस साइट पर चलाएंगे, उस साइट पर आने के बाद यहाँ पर गूगल में यहाँ पर लिखेंगे OFSS। चलिए आप लोग के तो जानकारी होगा OFSS क्योंकि माध्यम से हो रहा है। उसके बाद इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिए, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से फिर से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। जैसे ही इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से नीचे आएंगे। उसके बाद लोडिंग एक बार लेगा, ठीक है, लोडिंग लेने के बाद इस तरह से नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है, एक नया लिंक जोड़ा गया है, फॉरगेट अप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए इस तरह से यहाँ पर फिर से इंटरफेस खुलेगा। हमें है ना फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर डाले थे वो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ चूज करना है, ठीक है, कि किस बोर्ड से आप जो मैट्रिक पास किए थे उस बोर्ड के आपका चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड चूज कर लेना, उसके बाद यहाँ पर ईयर कब पास किए थे, ठीक है, आपका यहाँ पर कब पास किए थे, यहाँ पर पासिंग ईयर चूज कर लेना। उसके बाद आप एग्जाम टाइप अनुअल या कंपार्टमेंटल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम अनुअल चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना, और रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दे रहा है, इस सर्च पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए ऊपर में है ना, ऊपर में आपको दिखा देगा कि योर अप्लीकेशन नंबर इज इतना इतना इतना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि अपना अप्लीकेशन नंबर यहाँ से इतना है, ठीक है, अप्लीकेशन नंबर यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, और नोट डाउन करने के बाद अपना आसानी से, ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए फिर से होम पेज पर आएंगे। अगर आपके पास यूजर पासवर्ड नहीं गया तो फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है, यूजर पासवर्ड मंगाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद फिर से एप्लीकेशन नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एप्लीकेशन नंबर यहाँ से तो प्राप्त हो गया। तो फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर मोबाइल पर पासवर्ड चल जाएगा, ठीक है। तो अपना आसानी से इस तरह से आप एप्लीकेशन नंबर निकाल के, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट करके आसानी से अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि और डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ सही चूज किए होंगे, अगर आप सही डाले होंगे तो ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास यूजर पासवर्ड है, मोबाइल पर मैसेज किया है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लॉग इन करके, जैसे यहाँ पर लॉग इन जैसे कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर देखिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगा। तो वेट कीजिए, ठीक है, आप लोग का ऑटोमेटिक ऊपर से सुधार दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।